their pay is as low as 4-5 pounds per hour. Deport. There's not any other option. हेलो एंड वेलकम टू अ वायरल व्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। पिछला व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसमें 2000 व्यूज हो चुके हैं शायद से, मैंने देखे थे जब तक, तब तक 1800 प्लस हो चुके थे। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। देखो घूर रहे हैं। तो सुबह के बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं। पीछे देख रहे हो कि क्लास चल रही है मेरी, वो अभी बता रहे हैं कि कैसे कॉलेज पहुंच सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अल्टरनेटिव वगैरह। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश इन हैंड जॉब्स के लिए, क्या मिथ्स हैं, क्या र्यूमर्स हैं यूके की कैश इन हैंड जॉब्स को लेके, मिलती है नहीं मिलती है, क्या पे रहती है वगैरह, सब कुछ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो अभी तो पहले क्लास भी ले लेते हैं, नहाना भी है, नाश्ता वगैरह करके फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइस डिस्क्लेमर ऑफ दिस वीडियो इज दैट ये जो वीडियो है, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी कैश इन हैंड जॉब्स, या मैं किसी को भी एडवाइस नहीं दे रहा दैट दे शुड डू कैश इन हैंड जॉब्स। इट्स जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, ताकि कोई भी आता तो उसको हर एक चीज पता हो यहाँ के बारे। हर एक स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ मिथ्स होते हैं, तो इसी वजह से वीडियो बनाने की वजह वो है। तो मैं सपोर्ट नहीं करता, आई एम अगेंस्ट कैश इन हैंड जॉब्स, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं रिस्क तो होता ही होता है, प्लस अपने लिए और स्टडीज के लिए भी टाइम नहीं मिलता। सो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं मिथ तोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत स्टूडेंट्स यहाँ आते तो उनके दिमाग में रहता है कि वो पहले जाएंगे उन्हें एनआई की जॉब मिल जाएगी 20 आवर्स, उसके बाद वो हर हफ्ते अपने मन से 10-20 घंटे ऊपर कैश पे काम कर लेंगे। लाइक ऐसा कुछ नहीं होता यार। पहली बात तो कैश इन हैंड जॉब्स जो होती हैं वो उनकी सीधी सीधी डिमांड होती है कि दे वॉन्ट यू टू वर्क फॉर देम फुल टाइम। दे वॉन्ट यू टू वर्क फॉर देम फुल टाइम, मोस्टली कैश इन हैंड जॉब्स होती है, लाइक रेस्टोरेंट जॉब्स। वो कहती है कि हमें तुम्हें रोज चाहिए 12 to 12 या मॉर्निंग 10 to night 10, ऐसे 10-10, 12-12 घंटे रोज, सातों दिन। चलो कुछ कुछ केसेस में एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, एंड देयर पे इज एज लो एज 4-5 pounds पर आवर। यार यूनिवर्सिटी कब जाओगे, अपने लिए टाइम नहीं, क्या ही फ़ायदा इस चीज़ का बताओ। दूसरा में तो ये होता है कि स्टूडेंट सोच के आते हैं 80,000 एन आई पे कमा लेंगे, ऐसी 8-10 दिन काम करके 60-70 pounds दिन का हिसाब लगा के अपना 80-90 हज़ार इस पे कमा लेंगे कैश रेंट पे, 8-10 दिन की यूनी होती है एंड डन। ऐसा कुछ नहीं होता यार। पहली बात तो यूनिवर्सिटी 3 से 4 दिन, किसी किसी केस में 5 दिन भी होती है। दूसरी चीज़, एन आई जॉब्स मिलना ही बहुत बड़ी बात है आजकल। कैश इन हैंड करोगे तो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाओगे, पर कैश इन हैंड में मेहनत जितनी है ना, यू आर सो वॉर्न आउट, या तो फिर आप वो जॉब छोड़ दोगे या फिर बाकी चीज़ों में आपका टाइम देने को मन ही नहीं करेगा आपका। ओके सो ये मिथ जो है ये तो लेके मत आना यार, पहले क्लियर कर दूँ। बाकी अब जो कैश इन हैंड जॉब्स होती हैं उनका मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, टाइप्स बताता हूँ कौन कौन सी हैं, क्या टाइप्स होती है उसके और कैसा होता है। यार धूप पीछे है ना, तो क्या करें। तो यार रुक जाते हैं, एक्चुअली मैं अपनी शिफ्ट पे जा रहा था, 2 बजे की शिफ्ट है, क्लास थी सुबह, कल थी मेरी शिफ्ट, मेरे को कैंसिल करनी पड़ी अपनी क्लास की वजह से, ऑनलाइन क्लास थी, एकदम से कैलेंडर चेंज हुआ। तो आज एकदम मेरे को मैसेज आया कि 2 बजे है शिफ्ट, तो चलो ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैश इन हैंड जॉब्स, वाओ आयरनीज, मेरे सामने ही पुलिस वाले खड़े हैं और मैं कैश इन हैंड जॉब्स की बात कर रहा हूँ। सो टाइप्स ऑफ कैश इन हैंड जॉब्स, पहली आती है कंस्ट्रक्शन, जो सबसे मेन, आपको रोज़ सुबह जाना होगा 6-7 बजे, आओगे आप वही 6-7 बजे वापस आओगे, एंड यू विल गेट पेड इन टर्म्स लाइक 70-80-90 पर डे, मंथली हिसाब लगा लो, लेकिन एक दिन की हफ्ते की छुट्टी मिलती है और जॉब इज़ डिफ़िकल्ट। उसके बाद आती है रेस्टोरेंट जॉब्स, रेस्टोरेंट जॉब्स में आपको वेटरिंग करनी है, क्लीनिंग डिशेज वगैरह कैश इन हैंड जॉब्स में। तो सो यू पेड अराउंड, गेट पेड अराउंड 4-5-6 pounds, सॉरी यार वो एक्चुअली देख रहे थे तो रुका तभी। तो रेस्टोरेंट जॉब्स ये होती हैं। उसके बाद आती है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में यार आपको कैश इन हैंड में पर डे के हिसाब से 110-120-130 जरूर मिलते हैं, लेकिन वही है कि यार सिक्योरिटी जो डोर सुपरवाइजर कोर्स है वो एक टाइप से बहुत ऑफिशियल कोर्स होता है, बहुत ऑफिशियल जॉब होती है, तो पकड़े गए और वो सब रिस्क देख लो।
उसके बाद कैश एंड हैंड में और भी तरह की जॉब्स आती हैं, ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, भी आपको 4-5 pounds में या 6 pounds में आपको रख लेती हैं, वही अपना पर डे 10 to 8 hours की शिफ्ट यार, यूनिवर्सिटी मैनेज वगैरह मुश्किल हो जाती है। तो ये तो कुछ टाइप्स ऑफ कैश एंड हैंड जॉब्स हैं। कैश एंड जॉब्स में एक्चुअली होता क्या यार, देखो वो इलीगल है, 2 नंबर की जॉब्स हैं, तो इसलिए आप क्या करते हो उनके अंडर काम कर रहे हो, तो यार एक बात बताओ, दे विल एक्सप्लॉइट यू, क्योंकि उनको पता है कि आप मजबूर हो, आप किसी को जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, तो वो आपको कहते हैं कि यहाँ मिनिमम वेज 10 है, तो वो आपको देंगे 4, 5, 6 या चलो 7 भी दे दी, तो यू कांट से देम एनीथिंग यार, कैसे कह दोगे, किसी और को जाके कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई तुम खुद उस काम में इन्वॉल्व हो जो इलीगल है। इलीगल बोलना भी हाँ मतलब नहीं अलाउड है, रिस्ट्रिक्टेड है। फिर उसके बाद यू विल गेट पेड लेस, एंड तो ठीक है, कैश एंड जॉब्स के टाइप्स हो गए और मिथ हो गए। उसके बाद जो सबसे मेन आता है, व्हाट इफ़ यू गेट कॉट, यार देखो मैं आपको पहले बता दूँ कि लोग कैश एंड जॉब्स को प्रेफर क्यों करते हैं, एक तो यही रेगुलर पे, यू लाइक वर्क फॉर 30 days या 25 days, एन आई में क्या होता है आप 1-2 दिन काम करते हो, एवरेज बैठ जाती है एन आई से ऊपर, बट ये कि यू वर्क अराउंड 4 to 5 times मोर देन NI, बट यू गेट पेड जस्ट लाइक अराउंड डबल और 2.5 times, तो आपकी मेहनत आप देख लो थोड़ी फालतू ही जा रही है। उसके बाद यू आर नॉट इन लाइक, आप गवर्नमेंट की साइड पे नहीं आते, तो इसलिए आपको कोई टैक्स पे नहीं करना अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो, तो लोग इसलिए वो इसलिए भी प्रेफर करते हैं। अब जैसे हम NI पे कमाते हैं, तो हमारा पेरोल जो आता है वो HMRC से आता है, तो वो रेवेन्यू और सबको संभालते हैं, तो इसलिए उनके उनको पता होता है हम कितना कमा रहे हैं, कितना हमें उनको देना है, कितना क्या सब कुछ। कैश एंड में क्या होता है, दे पे यू कैश, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, तो इसलिए वो रिस्की होता है क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ जा रहे हो। सो इफ़ यू गेट कॉट, वन पॉसिबिलिटी इज यू विल गेट अ वार्निंग कि नेक्स्ट टाइम यू कांट डू दैट एंड एवरीथिंग, ठीक है, दैट्स अ वार्निंग कुछ केसेस में। सेकेंड थिंग, रिपोर्ट, देयर इज नॉट एनी अदर ऑप्शन, फाइन भी लग सकता है बट वो शायद वार्निंग में ही फाइन आ जाएगा, बट रिपोर्ट आइदर टू योर होम कंट्री, आइदर टू सम कंट्री विच एवर यू चूज इज सेफ फॉर यू, क्योंकि कुछ लोग फिर प्रेफर करते हैं कि मैं इंडिया वापस नहीं जा सकता वगैरह, वो अभी अब नए रूल्स भी आ रहे हैं इमिग्रेंट्स को लेके, इलीगल एक्टिविटीज़ को लेके, सो ये वीडियो जल्दी आएगी जो ऋषि सुनक की नई स्टेटमेंट परसों आई है, तो यार कैश एंड इसलिए रिस्की होती है। तो यार मैं एक्चुअली शिफ्ट में आ गया था, मेरी शिफ्ट अभी जस्ट एंड हुई है। मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था कि पता है कैश एंड में कौन चीज़ होती है कि आप किसी के अंडर इलीगली काम कर रहे हो, आपके पैसे मार लेता है, लोगों को पेमेंट नहीं देता, और उसके बाद आप लाइक कुछ कर भी नहीं सकते, लाइक ऑफिशियल्स के पास नहीं जा सकते, उनसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि दे कैन टेक एन एक्शन एंड वो आपको इन अ बैड पिक्चर बैड गाय बना सकते हैं, तो ये भी रिस्क होता है। तो यार मिथ्स हैं, तो आई डोंट थिंक यू शुड डू गो फॉर इट, यानी अच्छी जॉब्स मिलती हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और देर आर मेनी अदर वेज, तो जिसके लिए और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड चलो यार यही था, चलो अब कैश एंड का क्या सीन आपको आएगा समझ आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, मैं उस पर Q&A भी डालता हूँ, आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी देता हूँ, आप मेरे को चैट मैसेज कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थोड़ी शॉर्ट रही क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में था, बाकी कुछ भी और डिटेल चाहिए तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विश आपको अच्छी लगी होगी ये, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना यार, और कमेंट डाउन बिलो इफ एनी सजेशन है, और कुछ भी डाउट होता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना, वहाँ पे रिप्लाइज भी देता हूँ, और सब कुछ इंस्टा पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। तो चलो यार इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और टेक केयर, बाय बाय, एंड keep supporting guys, bhai pata nahi kitni der se class chal rahi hai, kasam se neend aa gayi yaar, look at this morning challenge, first class।